नमस्कार, आपकी अदालत से मैं हूं राजा पाल। आप तस्वीरों में देख रहे हैं भिंड जिले की रावतपुरा दंगल में इस वीर पहलवान ने, रवि पहलवान बाराट, पिता का नाम गजेंद्र सिंह, इसने भिंड जिले के रावतपुरा दंगल में धुआंधार कुश्ती का प्रदर्शन किया। लेकिन आखिरकार कुश्ती लड़ते लड़ते वो अपनी ही बीमारी जिंदगी से संघर्ष हार गया। आइए देखते हैं रावतपुरा दंगल में रवि पहलवान की कुश्ती का शानदार प्रदर्शन। भैया है, अरे 20 साल का है लड़का, नया है। हमने क्या कहा, 2 साल में हिंद केसरी बनेगा, ये नीचे वाला देखना, नया बच्चा है जो निकल गया। अरे ताली बजा दो, अरे ताली बजा दो, क्या बात है। भल्लू लिफाफा भल्लू, 11,000, 21,000, 40,000 और इनमें देखिए बुलेट और 40,000 रुपए, क्या बात से आराम से लग रहा है। हमारा पैसा हो तो समझाती है वो, सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति होता है। घर में घर की पत्नी की बात नहीं माना, वो कभी नहीं आगे बढ़ पाया। ये वकील साहब, मास्टर ने आपको समझा दिया है, नहीं माना होगा गड़बड़ हो जाएगा। आप वकील साहब कश्मीर कह रहे हैं, बहुत बड़ी गुरु होती है गड़बड़ी, नहीं जिनने माना हमने धोखा खाया। आप देख रहे हैं यहाँ, ये राजकुमार को बहू ने शराब दे दी उसकी ने, कि तू जा घूम, ऐसे ही घूमता रहेगा। भैया हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये कुश्ती क्या बात है, कुश्ती को 5-6 मिनट चलते हो गया है, साथ कुश्ती चल रही है। हमारे परम पूज शरद श्री रविशंकर जी महाराज लालपुरा सरकार के स्वागत में आप जो है विशाल दंगल का आयोजन देख रहे हैं। ओ अरे क्या बात है, काहे लेकिन मोदी चौहान बड़ा बच गया है, बाल बाल बचा, बाल बाल बचा, बाल बाल बचा। ये देखिए, अरे वो बहुत कर रहा है, लेकिन उमेश भी बहुत कर रहा है, उमेश भी बहुत कर रहा है, उमेश जी ये गाड़ी लेके आए छचर से निकलने का प्रयास। और काले ने कहा हम नहीं देंगे, काले ने कहा हम नहीं करने देंगे, खींच लेगा पीछे नहीं तो खड़ा कर दे, अगर नीचे जाए नहीं नहीं बैठाएंगे नहीं, या तो आप ले जाए खींच के पीछे, ऐसे ऐसे ले जाओ। क्या बात है भैया, कितनी शान है, ले ले ओ उमेश खड़ा हो गया, गाड़ी ले जाओ, कितना अच्छा। लेकिन हमें वादा है, आप लोगों के समझ में वादा है, क्या हिंदुस्तान की पूरी फिल्म यहाँ दिखा देंगे, हर साल एक से एक बढ़िया पहलवानों को यहाँ दिखाएंगे। ये पर्दे से वादा है कि आप हिंदुस्तान की फिल्म देख लेंगे, कैसे लड़का है, 2 साल में आप इसको हिंदुस्तान यहाँ देखिए, हिंद के श्री बनेगा। ये 2 साल रमाकांत जी महाराज जी, आपने क्या जवान दिखा दिए, क्या बढ़िया जवान दिखाए, मजा आ गया था, मजा आ गया है साहब। ये देखिए 10 बार की हिंद केसरी और एक लड़का लड़का चलता हुआ जमाने में, जिसको हम किशोरावस्था से युवावस्था बोलते हैं, मात्र 20 साल का है भाई ये। आप झूठ भी लाना, हरिकेश जो आए थे पिछली बार उनके गांव के पड़ोस का है ये। हालांकि हरिकेश की तबीयत खराब हो गई है, हाथ उसके पास के हैं ये, गांव उनका, माता पिता इनके मान लिए बैठे रहते हैं, आज वो नहीं उठ रहेंगे कि मेरे लड़के की गुरेस लगे, भगवान का भजन करते हैं। जिस घर में माता पिता हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं भाई, और जो माता पिता को परेशान करते हैं उनको हमने भीख मांगते देखा है, उनको हमें भीख मांगते देखा है।
कर्मे परेशान करता करते हैं। भगवान बड़ा दयालु होता है, जिनने आपको पाला पोषा सूत्र में लेटाया उन्हें क्या तिरस्कार करते हो। सबसे बड़ी दौलत है आपकी आपके माता पिता, वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। आज हम अपने माता पिता के लिए रोते हैं, दोनों स्वर्गवासी हो गए हैं। हालांकि अब 70 साल के हम तो कभी 150 साल जीते का बात करके हो गए भाई, उनका भी एक टाइम होता है, लेकिन माता पिता की सेवा बहुत जरूरी होती है। आप कहीं भी जाएं, मां के पैरों में सर झुकाएं। और ये देखिए, समझ गया था कि उखाड़ मारेगा बैठ गया चुपके से। बहुत अच्छे रीति हैं, अगर गलत चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रशंसा है कि आप कुश्ती को न्याय दौर में छोड़ाते हैं, बीच में कोई वो नहीं है कि हम भगा दें किसी को या छोड़ा दें या नौटंकी नाटंकी वाले को। ये देखिए उमेश को पकड़े हुए हैं जितेंद्र काला ये और बच्चे हैं। उमेश काला हरियाणा बहादुर का 40,000 के हकदार भाई ब्रह्मान उमेश हाथराज, उमेश हाथराज वही।